देखिए, अपोजिशन का सवाल उठाया है, मैंने देखा असेंबली में ये सवाल उठाया है। मैं इतना ही कहूँगा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो संशयास्पद, बेहद संशयास्पद है, संशय के घेरे में है। कोई बोल नहीं सकता ये आत्महत्या है, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुराग था। तो मैं भी कहूँगा, जिस तरह से उसकी फैमिली में देख रहा था आक्रोश, तो ठीक तरह से जांच होनी चाहिए, और जो सत्य है, जो फैक्ट है, वो सबके सामने आना चाहिए। देखिए, एनआई की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने एटीएस के पास उनकी जांच का जिम्मा सौंपा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।